कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ ऐसे। एक बंदा है क्या? किसका से किसका रहा? अरे कहाँ से? कवर के अंदर दो हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं। एक ऊपर है। Watch out! नहीं एक बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। आया रितेश भाई आप। तारा जी ने अरे तुम्हारी मार चुदे थे ना इसलिए। तुम्हारा मम्मी अभी वो मेरा लंच ला रही है, अभी आके देख लो ना, अभी आके देख लो। तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई आज देखो गेम प्ले तो अच्छा है ही है, अब जो भी हुआ है सब देखते रहना। बट लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, अब आप लोगों को पता है कि गंदी नाली के कीड़े जो होते हैं कितना भी कुछ भी कर लो, कैसा भी उनके साथ बर्ताव कर लो, वो कीड़े कीड़े ही रहते हैं। खैर देखो आज इस वाले मैच में क्या हुआ, और इस वाले मैच में नहीं मतलब बहुत सारे मैचेस में ऐसा होता है, बट इस बंदे ने हद ही पार कर दी। मतलब ये बंदा जब मैं मर जाता हूँ तो ऑल पे, जब मैं जाता हूँ तो मतलब मैं ऑल पे बस ऐसे ही मेरे टीममेट्स बता रहे थे कि कोई बोल रहा है जॉनाथन हैकर है, क्योंकि मैं छत पे सीधा कूद गया था। जबकि मैं रिकॉल हुआ था तो मैं छत पे कूद गया, बट उस बंदे को शायद ये बात नहीं पता थी। और उसके बाद वो बंदा गाली देने लगता है, और जब मैं उसको बोलता हूँ कि वो मेरे को माँ की गालियाँ देता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तेरी माँ को ही अपनी माँ मानता हूँ और तेरी बहन को ही अपनी बहन मानता हूँ। उसके बाद भी वो बंदा माँ बहन की गाली देना रुकता ही नहीं है। मतलब कि एक चीज़ तो मैं समझ गया भाई साहब, वो बंदा अब भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है उसकी माँ के लिए कि उसने उसको पैदा करा, बट लेकिन भाई उसके अंदर एक मतलब होता नहीं कि बिल्कुल भी इज्जत नहीं है अपनी माँ बहन के लिए। अब यार देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे तो आपके कहने का मतलब ये कि हमें गाली नहीं दे। भाई गाली दो वो सब अपना मैटर होता है, दोस्त बिना गालियों के बात कर ही नहीं सकते, इस बात को मैं भी जानता हूँ। बट लेकिन कुछ गाली बड़ी घिनौनी होती हैं, और अगर ऐसे बंदे आपके साथ खेलते हैं मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि ये लोग ये कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। भाई साहब मैं बस कह रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं बता रहा, बट लेकिन ध्यान रखना इन बातों को। अब खैर मैं तुमको उसकी झलक दिखाऊंगा उस बंदे की, और भाई अगर तू भी ये वीडियो देख रहा है, अब देखो इस बंदे ने तो मुझे माँ बहन की गालियाँ दी, अब मैं तो इसको क्या ही बोलूँ, मेरे गाली देने से क्या होगा। बट लेकिन गाइज आप सभी लोग इसकी तारीफ ज़रूर करना कमेंट में, बट लेकिन बड़ा दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, अब इस बंदे को पहचानना बड़ा मुश्किल है, इसके नाम क्या है, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई पहचान होती नहीं है। ये लोग उठते हैं सुबह को, माँ बाप की दी हुई रोटी खाते हैं, गेम खेलते हैं और फिर भाग जाते हैं, समझ रहे? मतलब इनका ना कोई ज़िंदगी मकसद होता है, इन्होंने सिर्फ गाली दी होती है, गुटखा खाते हैं और मेरे पास गोभी खाते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि तभी तो इनमें दिमाग नहीं है। मैंने इवन उसको ये भी बोला कि भाई माइंड योर लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे बात मत कर भाई, उसमें पता है वो बंदा, अरे चुप साला माइंड योर लैंग्वेज, मैंने बोला भाई ये तो मान ही नहीं रहा। और उसके बाद मैंने उससे भाई इतना कुछ बोला, लेकिन वो बंदा गाली देना रुकता ही। तो अंत में भाई मैं उसको यही बोल के आ गया कि भाई कोई नहीं, सुबह को खाना खाना शुरू कर दो, टट्टी खाने से काम नहीं चलेगा, टट्टी खाओगे तो तुम्हारा दिमाग इसी तरीके उसमें गुई भरा रहेगा। तो बस अब तुम यहाँ से पहले गेम प्ले देखो, देखो हम लोग मिलिट्री बेस में कूदे थे और अब तक आप लोगों ने देखा कि हमने क्या तोड़फोड़ मचाई है। और यहाँ पर एक बंदा था जो कि सामने बैठा हुआ था। अब मैं तुम लोगों को ना एक एक चीज दिखाऊंगा, तो इस मैच में कुछ भी स्किप मत करना। अब फिलहाल एक बंदा यहाँ पीछे से मारता है, और मेरे टीममेट ने ये जो ऊपर बंदा इस बिल्डिंग में था उसको नॉक कर दिया। अब इसके बाद देखो कोई नहीं, ये पीछे भी अलग स्क्वाड है ये। अब ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट लेकिन वापस आया उसके बाद। हाँ इसी ने मारा था मुझे अभी कैंप पे। अब इस मैच में आपको मैं वो हर एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे मैं पता चल पाए कि वो बंदा है कौन। सबसे पहले इससे मिलो, जैसे ही मैं इसको नॉक करता हूं इसके पास गया, मतलब मेरे टीममेट ने नॉक किया। मत मारो मत मारो, वो सड़ी।
तो भाई ये बंदा भी गाली दे रहा था यहाँ पर और बोल रहा था कि मत मारो, और बाकी आपके तो आप लोगों ने सुन ही लिया, मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूँ। अरे अब आपके ये वो मन में बंदा ये हो सकता बैठा है है कि नहीं, ये आवाज़ हम लोग बाद में मैच बैठा है करके ना तुम इसको। खुद डिसाइड करना कि वो है कौन सा बंदा आखिरकार, क्योंकि थोड़ा मतलब उसकी तारीफ करना थोड़ी और आसान हो जाएगी हमारे लिए। क्या बोल अब यहाँ तो मेरा क्या ही किल चुरा है, आप लोगों ने देखा ये स्प्रे। अब गाइज मैं आजकल कुछ नई सेंसिटिविटी ट्राई कर रहा हूँ, तो 2-4 दिन या 1 हफ्ते में जब मैं उसमें मास्टर कर लूँगा, मतलब जब उन पे मेरा हाथ बैठ जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उन सेंसिटिविटी का फ़ायदा क्या रहेगा। हाँ लेकिन इस मैच में वो सेंसिटिविटी अप्लाई नहीं की है, मैंने वो कल रात ही की थी और ये मैच कल दिन का है। खैर अब इसके बाद देखो, अभी हमने जिन बंदों को मारा हमें पता था वो रिकॉल करने के लिए पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सीधा रिकॉल टावर पे, और हमारे पास बग्गी थी तो मैंने टीममेट को पहले बोला कि जब पीछे वाला जो एक बंदा रह गया उसको तुम उठा के ले आओ। एंड जैसे ही मैं यहाँ आया तभी फायरिंग का साउंड आया, तो अमन मेरे को अब कवर देने के लिए आता है जबकि उस बंदे को नहीं लाता। खैर अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पीछे रुक गया इसलिए ताकि मैं पहले एक आध दो नॉक निकाल लूँ। अब जैसे ही आया मुझे एक बंदा दिखा सामने ऊपर में, अब जैसे मैंने इसको नॉक फिनिश दिया उसके बाद में मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई तुम जाओ और मैं तुम्हें यहाँ से पूरा पूरा कवर दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की कि भाई तुम मारे जाओगे। तो बस इसके बाद में अमन यहाँ से गाड़ी उठाता है और निकल लेता है उन बंदों की तरफ। अब जैसे मैंने इसको लिट किया मैं दोबारा उसी को मारता हूँ, तब तो अब ये बताओ यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को कैसा कवर दिया। और भाई मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल जो फिर स्प्रेज है मतलब थोड़े से स्टेबल हो रहे हैं, प्रैक्टिस करने से मतलब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब इसके बाद गाइज हम लोग निकलते हैं पोचिंग के लिए, और पोचिंग की में जाके जो ही फाइट होने वाली वो मतलब बहुत ही मजा आने वाला है। खैर गाइज अब सभी लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत तो सबको होती है, अगर इसके साथ आपको इंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट भी मिले वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए। जी हाँ गाइज आपको बस अपने ब्राउजर में जाकर टाइप करना है bose.com। bose.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप अपने फेवरेट गेम से क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी टेनिस और सारे ऑनलाइन कैसीनो गेम्स पर प्रेडिक्शन करके अपने अमाउंट को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको बस जाना है bose.com पर और वहाँ ₹500 का फर्स्ट डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा ₹1000 का फ्री कैश और फ्री स्पिन्स, और अगर आप मेरा बोनस कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ₹1000 का बोनस कैश मिलेगा जिसे आप इस्तेमाल करके काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। इजिली पेटीएम यूपीआई के थ्रू विदड्रॉ कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर पैसे कमा रहे हैं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। अब गाइस जैसे हम लोग यहाँ पोचिंग की में आए और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ की फाइट, सबसे पहले हमारा एक बंदा आगे गया एंड तभी गोल्डी भाई मुझे बंदा दिखाई दिया। अब ये बंदा थोड़ा सा लेट था और मुझे पता था कि जरूर पीछे भागने की कोशिश करेगा, और यहाँ मैंने इसको पकड़ लिया। अब जैसे मैंने इसको नॉक दिया, अब मैं यहाँ पर टीपी भी ले ही रहा था कि तभी देखो भाई तुम क्या मरते मरते बचा मैं। इसको भी फिनिश कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पर्सनली मैं जितने भी मेरे जो दोस्त होते हैं जब मैं उनके साथ खेलता हूँ, अब देखो आपस में मैं उनसे कैसे भी बात करूँ, ठीक है, कभी कभार हम लोग गाली गलौज भी करते हैं, बट लेकिन मैं हमेशा उनको मना करता हूँ कि जब भी हम किसी टीम को मारते हैं किसी बंदे को तो उसे वो गाली ना दे, क्योंकि देखो हर किसी का अपना अपना एक वो होता है कि किसी को गालियाँ पसंद होती है किसी को नहीं पसंद होती है। अब मैं भी गालियाँ दे के बात करता हूँ अपने दोस्तों से, लेकिन जिनको गालियाँ मतलब ये कि हाँ उनको बुरा नहीं लगता है। खैर अब यहाँ से हमने जैसे इन बंदों को मारा और हमें पता था कि ये बंदे रिकॉल टावर पे तो आएंगे, हमने यहाँ पर एक बंदे को भेजा लेकिन वो भाई यहाँ पे फंस गए इस स्क्वाड के बीच में। अब सबसे पहले मैंने ग्रेनेड की पिन खींची बट बंदा यहाँ से कूद चुका था, लेफ्ट में गया। अब भाई मैं यहाँ पर कैसे जाऊँ अपने टीममेट कवर देने के लिए, फाइनली मैं ओपन से आ ही पड़ा, लेकिन जैसे वो नॉक हुआ इसके बाद मैंने थ्रो बल्स फेंके, ग्रेनेड तो सारे वेस्ट गए, लेकिन बाद में जैसी ये वाली मॉली फेंकी एक नॉक, और फाइनली भाई ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पे आराम से एलिमिनेट हो गई।
अब गाइस इसके बाद में अभी देखो वो सारा मुद्दा मुझे पता है आप लोग कह रहे होंगे वो बंदा अभी तक कहाँ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि अभी वो चीज़ आई नहीं है एंड उससे रिलेटेड भी कुछ भी चीज़ हो नहीं रही है, लेकिन जब होगी तब आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो बस अब दो तीन मिनट की बात और है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या ही होने वाला है। खैर अब इसके बाद में हम लोग मिलिट्री बेस से मिलिट्री बेस के लिए निकल रहे होते हैं पोचिंग की से। अब जैसे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तभी मेरा एक टीममेट बताता है कि उसके सामने कूप आ चुकी है। अब ये वाला स्प्रे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मैंने वहां ये क्लिप कल ही डाल दी थी। अब जरा एक बार फिर देखो। भाई इसके बाद जो मेरा रिएक्शन था, मैं रूम में चिल्ला उठा था भाई। फिर से एक बार घर से एक उड़ती हुई चप्पल आई और मेरे कान को लाल करके चली गई। बाय द वे तुम लोगों को ये स्प्रे कैसा लगा बताना मत, क्योंकि तारीफ भी तो करनी है ना उस बंदे की, तो इसलिए आज केवल एक ही कमेंट करना और वो भी तारीफ वाली। स्प्रे तुम इंस्टाग्राम पे आके बता देना, मुझे मेंशन करके स्टोरी में, मैं सबके रिप्लाई करूंगा। एंड आओ तो यार फॉलो भी कर देना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ गए मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पे और जैसे यहाँ पर आए मैंने टीममेट को आगे भेजा, लेकिन तभी उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ बंदे हैं। अभी लोग बता दे कि एक मीटअप कर रहा है एक मार रहा है, तो मैंने बोला भैया तो फिर तो फाइट ही ले लो। जैसे यहाँ पर आए अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया पता चलता है कि पीछे वाली हिल से भी कोई मार रहा है, तो पहले इसको फिनिश करते और इसके बाद में मेरा एक टीममेट निकल लेता और मैं भी निकल लेता हूँ। और हाँ गाइस यार मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, शायद ना वो जो बंदा जो गाली दे रहा था वो मे भी हैकर का टीममेट था। हाँ ये भी आप लोगों को दिखाना है, वो अब कैसे बताऊंगा अभी। अब यहाँ पर मैं शायद बोल रहा हूँ, ठीक कन्फर्म नहीं है, ये आप लोगों पर भी छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। खैर मैं यहाँ पर जैसी रोटेशन देता हूँ इसको ही मैंने नॉक किया, लेकिन तभी पता चलता है कि ब्रिज से भी कोई फायर कर रहा है, मतलब अभी भी वहाँ एक बंदा पता नहीं कहाँ छिपके बैठा हुआ था। तो इसीलिए बग्गी उठाता हूँ और सीधा उस बंदे की तरफ टूट पड़ता हूँ। अब मैंने सोचा कि मैं उसके मुंह पर नहीं ठोकूंगा लेकिन थोड़ा पीछे जाके उसको क्यों ना हम लोग दोनों तरफ से घेर ले। मैं यहाँ आया, ये इसको नॉक दिया। अब जैसे हम इसको नॉक देते हमें इंतजार था इसके आखिरी प्लेयर का, बट वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो जैसे इसको फिनिश किया मैं बस बहुत डरा हुआ था कहीं, क्योंकि अभी ये गेम काफ़ी अच्छा जा रहा था हम लोगों का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट रही, बहुत अच्छे मूवमेंट्स भी रहते इसमें। और फाइनली गाइस अब वो होने वाला था जहाँ से सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्या ये बंदा हैकर है या फिर नहीं है, देखना अभी। यहाँ पर जो सबसे पहले अमन वो आगे जाता है एंड तभी उसे पता चलता है कि पीछे मतलब हिल पे दोबारा कुछ बंदे आ चुके हैं। अब मैं रोटेशन देने के लिए बिल्कुल सेम वही रोटेशन लेफ्ट से देने वाला था, लेकिन गाइस जो मेरे साथ हुआ, और पहले अमन को देखना कि कौन बंदा नॉक करेगा, मुझे कौन लगेगा, किल फीड जरूर पढ़ना। ये देखो एक सेकंड में एक गोली चलती उसको नॉक किया, उसके बाद चलती बग्गी से मुझे इसी बंदे ने उतारा वो भी हेड मारकर। तो भाई अब हम दोनों टीममेट्स बोल रहे थे कि भाई इसको भी गलत मारा, मुझे भी एकदम गलत मारा, मतलब एकदम होता ना बिल्कुल खतरनाक ही मारा। इसके बाद मेरे टीममेट ने बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये डिसाइड करा कि वो मेरे को रिकॉल करेंगे, क्योंकि देखो दो से भले तीन ये सीधा निकलते हैं रिकॉल टावर के लिए। लेकिन भाई साहब उन बंदों को पता था, अब पता नहीं कैसे, लेकिन वो भी हो सकता है गेम सेंस उनका अच्छा हो, लेकिन अभी यहाँ दोबारा देखते रहना, वो सीधा ठोक देते हैं भाई रिकॉल टावर के लिए। अब जैसे ही मेरे टीममेट यहाँ पर आए उसने बस रिकॉल पे क्लिक किया ही था कि सामने से वो बंदे आ गए भाई साहब गाड़ी उठा के। अब यहाँ पर फिर से किल फीड पड़ना कि वही बंदा फिर से मेरे एक और टीममेट को मारेगा, और मैं तुम लोगों को और भी कुछ दिखाऊंगा अभी। ये देखो अगेन उसी ने नॉक मारा, मेरा टीममेट फिर बोलता है ये गड़बड़ है, मैं छत पे कूद जाता हूँ। अब जैसे इसको फिनिश दिया कलुआ का पावर, और यकीन नहीं मानोगे जिस जो बंदा गाली दे रहा था उसका नाम यही है कलुआ का पावर। गलत है भाई, खैर इसकी आईडी भाई निकालनी पड़ेगी पहले तो। अब देखो यहाँ था 1v3 की सिचुएशन, और ये जो बंदा अभी देखना एकेएम सिंगल पिल चला के मेरे को डैमेज करके जाएगा, मारेगा भी नहीं, तो मैं समझ गया ये हैकर है। देखो ये देखो
बस दो गोली मारी इसने और उसके बाद में इसका दूसरा टीममेट मुझ पे रश करता है ना कि वो रश करता है। अब यहाँ मेरे एमो खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ तुमने एक चीज देखी, जो सिद्धांत है ये मार रहा होता है लेकिन वो बंदा जो मेरे को AKM से लिट करके गया था वो फायर तक नहीं कर रहा था। अब मेरी तुम मानो चाहे मत मानो, मुझे तो वो पूरा हैकर लग रहा था। उसकी एक ही केड़ी थी जिस हिसाब से टीममेट्स बता रहे थे। अब मेरे टीममेट्स ऑल पे जाके बोल रहे थे एक ही केड़ी वाला इतना अच्छा कैसे मार गया। और फाइनली जो इसका टीममेट है कलुआ का पावर वो ऑल पे आ जाता है। और गाइज हाँ, इस बंदे का नाम यही है तो तुम तारीफ इसकी कर सकते हो बहुत अच्छे से। अरे भाई क्या बोले हो, एक वाला। अब देखो बंदा जैसे ही ऑल पे आता है तो सुनते रहना। और मैंने इसको क्या जवाब दिया मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब वो कहता है कि मतलब मेरा नाम जोनाथन है कि उस वो भी तो हैकर है, वो छत पे कैसे आया। अब यार इन चूतियों को ये तक नहीं पता कि बंदा रिकॉल हुआ है, छत पे कूदा है, तो यार इनके मुंह से टट्टी तो खैर निकलेगी क्योंकि यार गुई खाते हैं दिमाग। जोनाथन का पप्पा है भाई, माइंड योर लैंग्वेज, गाली मत दो, तुम्हारी माँ मेरी माँ है। और इसके बाद ये बंदा इतनी गंदी गंदी गाली देता है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं गाइस। मतलब एक होता है ना कि ये लोग ना पैदा ही ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ इनको सिखाया ही यही जाता है लिटरली। और भाई ऐसे बंदों से मैंने इसको इतना समझाने की कोशिश करी। मैं अक्सर क्या होता है जब भी मैं ऑल पे जाता हूँ ना, कोई गाली भी देता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ कि भाई मत दो गाली इतने तमीज से, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार ही नहीं था कि नहीं। अब मैं समझ गया कि ये बंदा क्यों गाली दे रहा था। देखो पहली बात तो ये हैकर के साथ खेला था, और सबसे बड़ी बात कि मैंने इसको फिनिश कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर छत पर कूदा था। इसको चूतिया को ये ही नहीं पता कि मैं ऊपर कूदा कैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखो गाली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूतिया बोल रहा हूँ, बट लेकिन भाई इसने जो बहुत गंदी गाली दी मैं तुम्हें उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं समझ गया कि ये क्यों किलसा हुआ बैठा है। अब ये मर गया। अब देखो यार जो गेम है ना, ये गेम को गेम की तरह लो। आप इतने ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी देखते हैं हम लोग, वो हर दिन फाइट करते हैं, कभी जोनाथन किसी को मारता है, कभी कोई किसी को मारता है, आपस में सब एक दूसरे से मरते रहते हैं, बट लेकिन फिर भी एट द एंड वो सब हैं तो दोस्त ही, आप लोगों ने देखा होगा। तो भाई अगर आप भी मरते हो तो गालियां मत दो, थोड़ा कंट्रोल करो। मुझे पता है गुस्सा आता है, पर लेकिन भाई क्या ही कर सकते। फिलहाल गाइज अब देखो बंदे का नाम तुम लोगों को पता है, इसकी आईडी खैर निकालेंगे अभी, तुम बाकी इसकी तारीफ करो। और हाँ भाई यार तुमने जिसने गाली दी थी तो तुम्हारे लिए तो क्या कहूँ मैं, फिर से एक बार कहूँगा कि सुबह को खाना खाना शुरू कर दो, रोटी वगैरह खाया करो, सुबह से उठ के अगर लेटरिन में जाके गू खाना शुरू कर दोगे ना वहाँ से, फिर दिमाग नहीं पड़ेगा, तुमको नहीं पता चलेगा कैसे बात करनी हो। अपनी माँ बहन की इज्जत करना सीखो जो तुम्हारे घर में रहती है। मैं इसको बोल भी रहा था उस समय कि भाई मेरी माँ तो तेरी माँ घर में होगी वहीं की, ये तब भी गाली दे रहा था और बहुत गंदा गंदा बोला था। मैं माँ कसम तुम लोगों को नहीं सुना सकता, तुम लोगों मतलब मर जाओगे सुन के कि भाई छी यार कैसे भाई ये बंदा इतनी गंदी बात कर सकता है। अब एक बार सुनो मेरे टीममेट से कि वो बोल क्या रहा था ऑल पे जब मेरे टीममेट आके लॉबी मेरे को बताते हैं। अरे एक ना समझ बोल रहा था कि जोनाथन तू छत पे कैसे चढ़ा। तो देखा मतलब वही बंदा आके ऑल पे बोलता है कि भाई तू छत पे कैसे चढ़ गया। अब उसको यही नहीं पता कि बंदा रिकॉल हुआ है, वह रिकॉल टावर से तो कहाँ छत पे ही तो कूदेगा। तर तुम ये बताओ ये बंदे भाई क्या खाते होंगे सुबह को, लिटरली मैं क्या ही बोलूँ। और हाँ गाइज आप लोगों को मैंने बताया था ना bonz.com के बारे में, जहाँ पर अपने मनपसंद गेम्स और बैटिंग लाकर जीत सकते हैं भरपूर इनाम, या उनको कसिनो में भी अपने मनपसंद गेम्स खेलकर कमाए ढेर सारे पैसे और जीत हुए इनाम को मिनटों में निकाल सकते हैं। और हाँ अपने फर्स्ट डिपॉजिट से पहले मेरा बोनस कोड जरूर इस्तेमाल करना, उसे यूज़ करना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 1000 रुपये का बोनस। तो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज यार फिलहाल मैं चलता हूँ, और थोड़ा देखो कल इससे मूड अपसेट था लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि देखो मेरा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी मुझसे मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ, तो इतने सारे लोगों को बता के मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी फैमिली बने रहने के लिए। एंड बस एक बार इसी के साथ गाइज, एंड बस इस तरीके से सपोर्ट करते रहना एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब तो वो आपकी मर्जी है, करो चाहे मत करो लेकिन कर देना अगर अच्छा लगा वो वीडियो। तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर यू गाइज, बाय बाय।